तीन साल थे। अब ट्वेल्थ के बाद क्या होता है कि बहुत स्कूल और कॉलेजेस में भेड़ चाल बहुत होती है। सर नो यस सर नो तंबाकू खा रहे हो क्या? अभी आवाज निकलती नहीं है कई लोगों के दिल से, आवाज निकलती नहीं है। और इन्हीं से पूछ लो गाड़ी कौन सी चाहिए। जगुआर। तुम्हें मारना दे भगवान को ही। जगुआर। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत मतलब स्कूल में कॉलेजेस में भेड़ चाल थी। अब सारे बच्चे बीटेक कर रहे थे। विधायक की औलाद बीटेक कर रहा था, नालायक की औलाद बीटेक कर रहा था। मैंने कहा मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, मैं भी बीटेक करूंगा। मैं घर आया, मैंने कहा मम्मा मुझे बीटेक करनी है। कहती बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा बस 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। कहती तेरे पिताजी कुछ किताबें लेट जाएंगे जाके। तुझे लगता है वो तुझे दे देंगे 8-10 लाख रुपए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। तो कहती तूने सोचा क्यों? अच्छा एक काम करना, तूने आगे जॉब तो करनी नहीं है, फादर का बिजनेस करना है। एक काम कर, मैं तुझे बाइक दिलाती हूँ, तू बाइक ले और DU में एडमिशन ले ले। तेरा एडमिशन आसानी से हो जाएगा नॉर्थ कैंपस में। मैं तुझे बाइक दिला रही हूँ और तू लड़कियां घुमा। हंस कह रहे हो, मैंने घुमाई कोई नहीं। तो मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में, मेरा एडमिशन हो गया। अब रामजस कॉलेज में मैं गया, फर्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। सेकेंड ईयर मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छे रहे। और जैसे ही थर्ड टर्म स्टार्ट होने वाला था, मेरे एक दोस्त का फोन आता है, कहता है शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था। मैंने कहा भाई क्रिकेट खेलूंगा। कहता कल तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसी करी और मैं वहां गया। और वो जगह थी दिल्ली का ITO जहां पे वेस्टीज की मीटिंग चल रही थी। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं उस मीटिंग में बैठा, गिनती के 100-150 लोग होंगे वहां पे और कोई भी स्टूडेंट नहीं। प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, बिजनेस अच्छा लगा, पर सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो था टेस्टिमोनियल पार्ट। टेस्टिमोनी समझते हैं? ये सुन रहे हो? ये सुन रहे हो? गाड़ी कौन सी चाहिए? माय डियर फ्रेंड, जैसे टेस्टिमोनियल पार्ट आया उसने मेरे दिमाग पे बड़ा इंपैक्ट डाला। टेस्टिमोनी समझते हैं ना, जो लोग बताते हैं मेरी पहले कमरा था अब कमर है, मैं पहले ये था अब ये हूं। तो वहां पे बहुत सारे लोग आए। एक इंसान स्टेज पे आके कहता मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, आमदनी है जी 4 लाख 5 लाख। एक इंसान जी कह रहा मैं जी अंगूठा छापू, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं 10 बार विदेश गया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अपने दोस्त से बोला भाई यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैंने कहा क्या यार ये, मतलब हम पढ़े एक सोचो ना, एक इंसान सारी जिंदगी पढ़ता है और मरते दम तक 50-60 हजार पे भी सोचता होगा जी बड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट ले ली मैंने, और यहाँ ये बोल रहे हैं 4-5 लाख वो भी अनपढ़ लोग। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पूरी मीटिंग के बाद ये बात तो बोली। और पूरी मीटिंग देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो है। बिजनेस चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान नुकसान। आप में से कितने लोग चाय पीते? कितने लोग पेश करते? नहाते कितने लोग हैं? धोते कितने लोग हैं? कपड़े बाल, ये लखनऊ के इंसान को मारो इधर और लगे यहां। मुझे एक मिल गया, मतलब आइसक्रीम भी, मुझे कुल्फी भी है ना, चारों तरफ से चाट के मजे लेके खाता है। और असली लखनवी वो होता है जो मिस कॉल मार के भी बैलेंस चेक करता है, समझ रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड, और मैंने वो मुझे बड़ा अच्छा लगा बिजनेस पार्ट सब कुछ। एंड माय डियर फ्रेंड, और इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूं। कौन हूं? लॉजिकल। कौन हूं? लॉजिकल, प्रैक्टिकल सोचता हूं। अब प्रैक्टिकल मैं अभी से नहीं, मैं स्कूल दिनों से सोचता हूं। अभी आप TV पे जितने विज्ञापन देखो, एक होता है विज्ञापन देखना, एक होता है उन्हें समझना। टीवी का एक भी विज्ञापन देख लो आपका मन करेगा भी मैं डूब के ही मर जाऊं यार, ये क्या दिखा रहे हैं। आप सोचो ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदर तो चकर आज लक्ष, आप नहा लेते हो कि भाभी नहाती है हम भी नहाएंगे। भाभी को देखा है कभी ना? सॉरी भाभी को सोच के देखो, नहाती होगी 10 रुपए के साबुन से? नहाती होगी? नो, उसका डॉगी भी नहीं नहाता होगा।
एक आदमी सोचो, एक आदमी के दांतों में दर्द हुआ, पीछे से एक औरत आती है दरवाजा तोड़ के, खोल के नहीं आती, शक्तिमान की घरवाली रही होगी, और खोल के आके तोड़ के आके क्या कहती है आपके टूथपेस्ट में, इसका मुझे कोई लॉजिक बताओ। जी मेरे घर में टाटा सॉल्ट की थैली पड़ी है, तू ले ले, तुझे भाई कितना नमक चाहिए, हम ऊपर से डाल लेंगे, तुझे क्या नमक है, थोड़े दिन में आपसे कहेंगे आपके टूथपेस्ट में हल्दी मिर्च धनिया है, आपके टूथपेस्ट में शाही पनीर भी नहीं है, ये बेवकूफ बनाएंगे और आप बेवकूफ बनोगे। एक आदमी डीओ लगाता है, डीओ, तीन चार फ्रेंच लड़कियां उसके आगे चिपक जाती हैं, ये देखो यूनिवर्सिटी के बच्चे, एक दिन में दो बोतलें लगाते, कोई नहीं चिपकती इनके पास, और सारी जिंदगी इनके कॉलेज के दरवाजे पे यही करते हुए निकल गई पलट। कोई नहीं पलटी आज तक, पूछो, पलटा छोड़ो उल्टी और करती है। यस सर नो, सो मैं बड़ा लॉजिकल था, और मैं स्कूल डेज से लॉजिकल था, अभी नहीं प्रैक्टिकल था, स्कूल में जितनी चीजें पढ़ाई जाती थी मुझे समझ में नहीं आता था मैंने लाइफ में इस्तेमाल क्या करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, भाई साहब ये चैप्टर चला 3 से 4 महीना, और टीचर हर बार क्लास में आके एक बात बोलता था, लेट एक्स इक्वल टू मान लो मान लो। मैंने कहा मैं कहूंगा कटरीना कैफ मेरी गर्लफ्रेंड है, तू मान लेगा भाई, तुम्हारी मान लो खत्म नहीं हो रही, या 3 साल से बाप की मान नहीं रहे, तुम्हारी माने जा रहे, मान लो। अरिथमेटिक पढ़ा आपने, अरिथमेटिक अंकगणित, उसका भी बाप, अगर 20 आदमी एक खेत को 10 घंटे में जोतेंगे तो 10 आदमी उसी खेत को कितने घंटे में जोतेंगे। मैंने कहा जी जब खेत एक बार जुतवा लिया तो दोबारा क्यों जुतवा रहे हो, डबल 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 मेहनत क्यों, मुझे समझ में नहीं आता था। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये स्कूली किताबें इस दुनिया में सिर्फ 20% काम आती हैं, ये स्कूली नॉलेज दुनिया में सिर्फ 20% काम आती है, बाकी 80% आपका एक्सपीरियंस, आपकी ठोकरें काम आती हैं। आपने, मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, एंड माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया सबसे बड़ा चैलेंज था दोस्तों बाद में दे पहले घर पे। अब किसी भी मीटिंग के बाद कोई इंसान जब बाहर जाता है तो उसे ऐसा लगता है अब दुनिया में आग लगा दूंगा, आप जब यहां से निकलोगे आपको आग लगाऊंगा लखनऊ में, आपको पता नहीं है लोग बाहर पानी की बाल्टी लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। सेम मेरे साथ था जाग भाई, मैं गया घर जाते ही मैंने, मम्मी देखो तुम्हारा लड़का अब क्या करता है, ये गाड़ी लूंगा वो लूंगा ये करूंगा, मम्मी करी दरा पी के है क्या, पहले बोल दिया था पी के आया है। और रात को जब घर पे फादर सिस्टर सब बैठे थे, अब एक्साइटमेंट इतनी थी कि अब कुछ करना है यार, एक साल में अपने आपको प्रूफ नहीं किया तो पिताजी फैक्ट्री में लगा देंगे, एक साल है। और जब सब डिनर कर रहे थे, अब गलती से मेरे मुंह से निकल गया मुझे आपका बिजनेस नहीं करना। देखो गलती किससे होती है भाई, इंसान से तो होती है। तो मेरे पिताजी ने बचपन में अपने गांव में जितनी गालियां सीखी थी वो सब उस दिन प्रकट हुई, और सबको मेरे ऊपर अप्लाई किया गया, उन गालियों के साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगाई गई, वो मैं आपको यहां नहीं बता सकता, पारिवारिक शो है ये, बहुत सारी बातें मेरे से बोली गई, बस इतना समझ लो कि बोलने लायक बातें नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, उन बातों में उन्होंने एक चीज बोल दी, हमने दुनिया देखी है ऐसे पैसा नहीं कमाते, बोला था कॉलेज में मतभेद पता नहीं क्या क्या करके आता है, ये क्या देख के आता है, मैंने दुनिया देखी है, मैंने तुमने पासपोर्ट तो आज तक बनवाया नहीं, दुनिया कैसे देख ली, बेवकूफ बना रहे हो। कई लोग कहते ना ऐसी बाल सफेद नहीं हुए, तो तुमने किया क्या सफेद करने में, तो हो जाते हैं वक्त के साथ। बट माय डियर फ्रेंड, मेरे घर वालों ने मुझे साफ मना कर दिया, तो कुछ नहीं करेगा, कॉलेज जा, कॉलेज से घर आ, खत्म कर एजुकेशन और अपने फादर के बिजनेस में लग। बट माय डियर फ्रेंड, मुझे पता लग गया था कि इस बिजनेस में अगर मैंने 3 साल मेहनत कर ली तो 30 साल किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।